इस ट्यूटोरियल में 5 मिनट एंड 5 स्टेप यूज करके कैसे कंप्यूटर को क्लीन एंड फास्टर करते हैं इस बारे में बात करें। सो फर्स्ट आना है स्टार्ट बटन, यहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड रन को चूज करना है। यहाँ पे रिक्लाइन टेम्प एंड ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कुछ फाइल्स आएगा, वो फाइल्स को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे शिफ्ट एंड ऑल डिलीट। नेक्स्ट कुछ फाइल्स को आपको स्किप करना है। फिर से आपको स्टार्ट मेनू में जाना है एंड राइट क्लिक करना है। यहाँ से एम्परसेंड स्टेम एम्परसेंड एंड ओके। नेक्स्ट सेम प्रोसेस, यहाँ से सिलेक्ट ऑल फाइल को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से डिलीट एंड कुछ। फिर से स्टार्ट मेनू में आना है, यहाँ से रन में प्रीफेस लिखना है। नेक्स्ट ओके, यहाँ से कंटिन्यू एंड कंटिन्यू करने के बाद कुछ प्रीफेज फाइल्स आएगा, उसके बाद इसे सारे फाइल्स को डिलीट करना है। सो सिलेक्ट ऑल द फाइल्स एंड क्लिक यस एंड ओके। नेक्स्ट हम रिसाइकल बिन, सो रिसाइकल बिन ओपन करके आपको देखना है कौन कौन सी फाइल को आपको रखना है और कौन कौन सी फाइल को आपको डिलीट करना है। सो जो फाइल आपको नहीं रखना है उसे डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट मेनू में आके यहाँ पे अनइंस्टॉल और ऐड और रिमूव ये लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड रिमूव ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करके ओपन करना है एंड जो सॉफ्टवेयर्स आपको नहीं चाहिए उसे अनइंस्टॉल करना है। सो यहाँ पे क्लिक करना है अनइंस्टॉल एंड ओके। नेक्स्ट मोर इम्पोर्टेंट स्टेप इज डिस्क क्लीनअप। सो यहाँ से प्रॉपर्टीज राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करना है, टूल्स यहाँ से कंटिन्यू, यहाँ से सी को सी ड्राइव को सिलेक्ट करके यहाँ से क्लोज कर देना है। यहाँ से प्रॉपर्टीज एंड क्लोज। नेक्स्ट ओके, यहाँ पे कुछ देर बाद कुछ ऑप्शंस आएगा डिस्क क्लीनअप का। नेक्स्ट यहाँ से सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करके यहाँ से ओके करना है। नेक्स्ट क्लीन हो रहा है सी ड्राइव, तो ये मोर इम्पोर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट यहाँ पे एक सब सी क्लीनर, सो सी क्लीनर एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपका जंक फाइल एंड कुछ फाइल्स जो आपको नहीं चाहिए उसे उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप डिलीट कर सकते हैं। सो वो सॉफ्टवेयर ये बिल्कुल फ्री एंड फ्री में डाउनलोड, यहाँ पे क्लीनअप को इंस्टॉल करना है। सी क्लीनर को इंस्टॉल करके यहाँ से सिंपली जैसे हर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उस बारे में, जब आप सी क्लीनर को खोलेंगे तो इस तरह से इसकी वी पोर्ट आएगा एंड उसके बाद यहाँ पे सी क्लीनर पर टॉप में जो है उसे क्लिक करके यहाँ से एनालाइज एंड यहाँ पे एनालाइज करना है। सो यहाँ पे एनालाइज एंड ये एनालाइज हो रहा है एवरीथिंग एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ फाइल्स की साइज दिखाएगा एंड यहाँ से इसे क्लीन करना है एंड क्लीन करने के बाद ये ओनली जो फाइल आपको नहीं, आपका प्रोग्राम्स में आपकी विंडोज में नहीं चाहिए उस फाइल को डिलीट करेगा। सो यहाँ से डिलीट करने के बाद आपकी कंप्यूटर्स जो है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत काम की सॉफ्टवेयर है। आफ्टर दैट यहाँ पे जो ये है इस ऑप्शन पर आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे ऐड एंड रिमूव में हम किए थे उस तरह से यहाँ से भी आप कुछ सॉफ्टवेयर्स को जो नहीं चाहिए यहाँ से भी आप रिमूव कर सकते। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप, एकदम लास्ट स्टेप है, यहाँ पे कंप्रेस करना है, कुछ फाइल को कंप्रेस करके छोटा करना है। सो यहाँ पे इस ये
एक एक फाइल को छोटा नहीं करना है, इस सी ड्राइव में जो फाइल सी ड्राइव में कुछ फाइल्स को कॉम्प्रेस करना है, सो उस ड्राइव को चूज करके कॉम्प्रेस करना है। सो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सब सेटिंग्स है, उससे यूज करना है जस्ट। सो सी ड्राइव यहाँ से प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहाँ पे कंप्रेस दिस ड्राइव। सो ड्राइव को कंप्रेस करना है, यहाँ से सिंपली जो यहाँ पे कंप्रेस द ड्राइव टू, ये जो फास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे इसे ओके करना है। सो यहाँ से टिक एंड ओके एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो करना है, सो ये ओके करने के बाद ये कंप्रेस हो जाएगा। सो ये थी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स, सो आई होप ये आपकी काम में आएगा। सो मेरे चैनल को, अगर आपको ये वीडियो को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।